सबसे पहले तो सभी किश्तवाड़ के रेसिडेंट्स को नमस्कार और सलाम। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन इशू है कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स और रिलीजियस प्रोग्राम्स आयोजित होने वाले हैं और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलग अलग इंतजाम किए जा रहे हैं, तो उन्हीं की जानकारी पब्लिक को देने के लिए और उसमें उनकी किस तरह की कोऑपरेशन की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी उसके बारे में आज की ये कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। सबसे पहले मचैल माता यात्रा के ऊपर आ जाते हैं। मचैल माता यात्रा जैसे कि आप सभी को पता है 25 जून से 5 सितंबर तक हमारी चलती है हर साल, और इसमें जो लास्ट टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारे यहाँ पे ब्रिज का इशू था जिसकी वजह से नेगेटिव पब्लिसिटी हुई और उसकी वजह से लोगों का जो नंबर था वो भी कम रहा। लेकिन इस बार मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा, सभी मचैल यात्रा के भक्तों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे कुंडेल ब्रिज जो है वो बन चुकी है, सड़क का काम भी लगातार जारी है और हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग पूरी यात्रा को सेफली सारे सेफ गार्ड्स के साथ और पूरी फैसिलिटीज़ के साथ लोगों को दे पाएंगे। जब भी यात्रा में लोग आते हैं तो उनके रहने का बड़ा इशू रहता है, तो इसमें दो तीन बड़ी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। एक हमारा गुलाबगढ़ पाडर में यात्री भवन है जिसमें 2000 से ज़्यादा से लोगों के रहने की सुविधा रहती है, उसको हम लोग बना के कंप्लीट कर रहे हैं जिससे कि लोगों को जो आते हैं बाहर से रुकने का एक ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि वो लोग मचैल में ही रुक जाएं, और मचैल में रुकने के लिए हम लोगों ने कुछ लोकल वेंडर्स प्राइवेट वेंडर्स से बात करी है जो कि अपना टेंट सिटी लगाना चाहते हैं, तो सरकार अपनी तरफ से उनको बिजली और पानी की सुविधाएँ प्रोवाइड करेगी ताकि वो जितने भी वहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं उनको रुकवा सकती है। लास्टली जो मचैल यात्रा के बारे में बताऊँगा, एक चीज़ है कि सोलर का जो हमारा लाइट है उसका इशू रहता था 30 किलोवाट, वो हमने एक प्लांट अभी यहाँ पे सैंक्शन कर दिया है, टेंडर होके अलॉट भी हो रहा है और मेरे को उम्मीद है कि आने वाले 2 या 3 हफ्तों में वो लग जाएगा। हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर का हम लोगों ने इस बार 3 बार हमने टेंडर किया है और इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स रहे, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, केदारनाथ यात्रा भी चल रही है, उसकी वजह से कॉम्पिटिशन कम रहा। तो जहाँ हम पिछले साल के रेट्स की बात करें तो जो हमारा मेन जो सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक चलता था गुलाबगढ़ से मचैल, जो 2500 यानी 2500 के आसपास एक साइड का फेयर रहता था, इस बार वो बढ़ के 3700 के आसपास पड़ रहा है। हम लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है, आगे भी कोशिश रहेगी कि कुछ हेलीकॉप्टर वेंडर्स से और बात की जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं लगते हुए हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी कि इसी रेट में हम लोग पिलग्रिम्स को ये सुविधा प्रोवाइड कर सके। ये रहा मेनली मचैल का। अगर हम बाकी यात्राओं की बात करें तो अभी सथल माता की यात्रा आ रही है 26 से 27-28, उसके अलावा उर्स का फेस्टिवल है जिसमें कि हमारे यहाँ पे अभी 21 तारीख को ये प्रोग्राम होने जा रहा है ये बड़ी वाली जियारत में, साथ साथ हमारा 21 तारीख को ही हुद माता की यात्रा है जो कि किश्तवाड़ में आएगी और किश्तवाड़ से 22 तारीख को जाएगी दक्षिण की तरफ। तो काफ़ी सारे फेस्टिवल के प्रोग्राम्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से जितने भी कमिटीज़ हैं, चाहे वो उर्स की कमेटी हो, वक्फ बोर्ड हो, उसके साथ साथ जो मंदिर्स हैं और जो यात्रा की कमेटीज़ हैं उनके साथ मीटिंग्स करी हैं। पब्लिक के साथ हमारी जो रिक्वेस्ट रहेगी वो मेनली ये रहेगी कि आप लोग सारे गाइडलाइंस का पालन करें, ट्रैफिक का खास तौर से ध्यान दें, सिक्योरिटी की जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और पुलिस है उनके साथ कोऑपरेट करें, और मुझे लगता है इन सब चीज़ों के साथ हम इंश्योर कर पाएंगे कि इस बार के हमारे सारे रिलीजियस फेस्टिवल बहुत ही हर्षोल्लास और पीसफुल मैनर में हो पाएंगे।